तो फाइनली बिग बॉस 14 को टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं, जिसमें रुबीना दिलेक, राहुल वैद्या, निकी तंबोली, अली गोनी और राखी सावंत बिग बॉस 14 के टॉप 5 कंटेस्टेंट बन चुके हैं। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि बिग बॉस 14 का आखिर विनर कौन बनने वाला है। जी हाँ, एक हफ्ते पहले आप जान जाएंगे कि बिग बॉस 14 का विनर कौन बनने वाला है। बिग बॉस 14 के इस वीक में आप देखेंगे कि सभी कंटेस्टेंट को बिग बॉस 14 में रही उनकी जर्नी उनको दिखाई जाएगी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल रहेगी। इसके बाद ग्रैंड फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट में से 2 कंटेस्टेंट बाहर हो जाएंगे, जिसमें राखी सावंत टॉप 5 कंटेस्टेंट में से बाहर हो जाएगी। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद टॉप 5 कंटेस्टेंट में से निकी तंबोली बाहर हो जाएगी और बिग बॉस को टॉप 3 कंटेस्टेंट मिल जाएंगे, रुबीना दिलेक, राहुल वैद्या और अली गोनी। इन तीनों को एक टास्क दिया जाएगा और बजर दबाना होगा, जिसने पहले बजर दबाया वो पैसा लेकर गेम छोड़कर बाहर हो जाएगा। तो अली गोनी जानते हैं कि वो बिग बॉस 14 के विनर नहीं बनने वाले हैं, इसलिए वो पैसा लेकर गेम से आउट हो जाएंगे और बिग बॉस को टॉप 2 कंटेस्टेंट मिल जाएंगे, जो कि रुबीना दिलेक और राहुल वैद्य होंगे। ये दोनों मिलकर घर की लाइट्स ऑफ करेंगे और पहुंच जाएंगे स्टेज पर। यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक विनर बन जाएगा। हालांकि अगर एंटरटेन की बात करें तो सबसे ज्यादा एंटरटेन राहुल वैद्य ने किया है, लेकिन अगर वोटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वोट मिलने वाले हैं वो रुबीना दिलेक को मिलने वाले हैं, यानी रुबीना दिलेक बिग बॉस 14 की विनर बन जाएंगी। अगर एंटरटेनमेंट की नजर से बिग बॉस 14 का विनर देखा जाए तो राहुल वैद्य ही होंगे, लेकिन वोटिंग के हिसाब से उन्हें वोट इतने नहीं मिलेंगे और रुबीना को ज्यादा वोट मिलने के कारण वो बिग बॉस 14 के विनर बन जाएंगे। आपको क्या लगता है बिग बॉस 14 का विनर कौन होने वाला है, जल्दी से कमेंट कर डालिए और सबसे पहले आप अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिए। अन्य अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। सेकंड न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।